जय माता दी। ये आज मेरी एक नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। अब हम इस ड्रेस से बनाते हैं। ये मेरी एक नंबर की कोटी है और ये मैं 12 नंबर क्रोशिया से बना रही हूँ। 4 क्रोशिया मेरे इस तरफ हैं, 4 यहाँ हैं और 9 क्रोशिया मेरे पिछली तरफ हैं। टोटल मेरे 17 क्रोशिया हैं। अब मैं इसे बना रही हूँ। ये 3 चैन ले ली मैंने। 3 चैन लेने के बाद दूसरा क्रोशिया मैं वापस यहीं ले रही हूँ। हर एक चैन में से मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में मुझे 2 बार क्रोशिया बनाना और ये राउंड मुझे ऐसे कंप्लीट करना है। ये मैंने यहाँ ऐसे जॉइंट कर लिया तीसरी चेन में। 1 2 3 तीन चेन लेने के बाद फिर मुझे वापस इसी चेन में क्रोशिया लेना है। मैं एक चेन में एक बार क्रोशिया बनाऊंगी। और एक चैन में 2 बार ये राउंड में अपना ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। एक चैन में एक और एक चैन में 2 क्रोशिए। क्योंकि ये हमारा छोटा घेरा है तो छोटा घेरे में हमें शुरू में ज़्यादा क्रोशिया की ज़रूरत पड़ती है। एक चैन में एक बार और एक चैन में 2 बार मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 तीन चैन लेने के बाद फिर मुझे वापस इसी में क्रोशिया लेना है। एक चैन में मैं 2 क्रोशिया बनाऊंगी और 2 चैन में मैं एक एक क्रोशिया बनाऊंगी। इन 2 चैन में मैंने एक एक क्रोशिया बनाया और एक चैन में मैं हर तीसरी चैन में मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। ये फर्स्ट में मैंने 2 लिए, फिर 1 2 2 चैनल में मैंने एक एक लिया, फिर तीसरी चैन में मैंने डबल लिया, फिर 2 चैनल में एक एक लिया, तीसरी चैन में डबल लिया। ये राउंड मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। हर तीसरी चैन में मुझे डबल क्रोशिया बनाना। ये राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। हर तीसरी चैन में मैंने डबल लिया पर लास्ट में मेरे ये 3 क्रोशिए सिंगल रहे हैं और सब में 2-2 डबल क्रोश 2-2 सिंगल क्रोशिए लिए। यहाँ के मेरे 3 क्रोशिए हो गए। हर तीसरी चैन में मैंने डबल क्रोशिया लिया। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे यहाँ जॉइंट करती हूँ। अब मैं ये दूसरा कलर जॉइंट कर रही हूँ। इसी चैन में मुझे क्रोशिया लेना। 1 2 3 ये 3 क्रोशिया लेने के बाद अब इसमें मुझे यहीं 2 चैन और बनानी है। 1 2 2 चैन बनाने के बाद फिर ये क्रोशिया मुझे वापिस यहीं लेना है। 1 2 तीसरी चैन में मुझे फिर डबल क्रोशिया लेना है। पहले 2 चैन बनानी है फिर यहीं क्रोशिया वापिस लेना है। 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में मुझे पहले क्रोशिया लेना है। 1 2 2 फिर यहाँ चैन बनानी है फिर वापस यहीं क्रोशिया लेना है। 2 चैन छोड़ के तीसरे में मुझे क्रोशिया लेना है। हर तीसरी चैन में मुझे क्रोशिया लेना है। क्रोशिया फर्स्ट लेने के बाद में मुझे 2 चैन बनानी है। ये 2 चैन छोड़नी है। 1 2 तीसरी चैन में मुझे डबल पहले क्रोशिया लेना। इसके बाद में 2 चैन लेनी है वापसी क्रोशिया फिर यहीं लेना है। 1 2 तीसरी चैन में मुझे फिर क्रोशिया लेना है। 1 2 2 चैन लेने के बाद फिर वापस यहीं क्रोशिया लेना। अब 2 चैन छोड़ के क्रोशिया लेना। 1 2 तीसरी चैन में मुझे क्रोशिया लेना है।
एक दो दो चैन लेने के बाद फिर वापस क्रोशिया यहीं लेना, एक दो दो चैन क्रोशिया लेने के बाद दो चैन छोड़नी है, एक दो तीसरी चैन में मुझे क्रोशिया लेना है, एक दो दो चैन लेने के बाद फिर वापस मुझे यहीं क्रोशिया लेना है, अब दो चैन छोड़ के तीसरी चैन में मुझे क्रोशिया लेना है, एक दो दो चैन लेने के बाद फिर मुझे वापस क्रोशिया यहीं लेना है, और ये राउंड मुझे ऐसे ही कंप्लीट कर देना है। राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मेरी यहाँ पे भी दो ही चैन है, एक दो, और ये इसमें मुझे यहाँ तीसरी चैन में जॉइंट करना है। अब ये धागा मुझे यहाँ कट करना है, और धागा कट करके अब मुझे ये धागे में पहले लूप बनानी है, ये धागा ऐसे लेके, ये ऐसे लूप बना के यहीं जॉइंट कर देना है। एक दो तीन, ये मुझे यहाँ चार चैन लेनी है, एक यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके क्रोशिया लेना, दो तीन हो गए, चार पांच, ये छः छः क्रोशिया लेने के बाद ये जो मेरी यहाँ ती चैन ही लई मैंने, उस चैन में मुझे ये एक दो तीन चार चार चैन लेने के बाद फिर मुझे ये अगले में बनाना है। एक दो तीन चार, ये मेरे छह क्रोशिए हो गए, एक दो तीन चार, चार क्रोशिए लेने के बाद फिर मुझे यहाँ छह क्रोशिए लेने, एक दो तीन चार पांच, छः, ये मेरे छः क्रोशिए होने के बाद फिर मुझे ये यहाँ वापिस ऐसे लेके, एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद फिर मुझे ये यहाँ छः क्रोशिए लेने, पहले दो तीन चार पांच छ, ये इनमें मैंने हर पप में छः छः क्रोशिए लिए हैं, ये छः क्रोशिए हो गए मेरे, एक दो तीन चार पांच छ, छः क्रोशिए लेके मुझे ये यहाँ अपने क्रोशिए की नोक डाल निकालनी है, और यहाँ ऐसे लेके, और फिर मुझे ये चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार, ये चार चैन लेने के बाद ये मुझे अब यहाँ छः क्रोशिए लेने, और ये राउंड मुझे सारा ऐसे ही कंप्लीट करना। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, मैंने ये सब पप छः क्रोशिए इनके बनाए, और ये मुझे यहाँ इसमें क्रोशिया लेके, एक दो तीन चार, अब ये चार क्रोशिया चैन लेने के बाद मुझे ये यहाँ ज्वाइंट करना,
जहाँ ये मैंने इसमें जॉइंट किया था चेन में, और ये यहाँ मुझे धागा कट करना है। धागा कट कर दिया, जॉइंट करनी है। ये धागा कट किया, यहीं जॉइंट करनी है। अब यहाँ एक चेन लेनी है और इसमें यहाँ डबल क्रोशिया लेने, ये दो डबल क्रोशिया लेने के बाद इस जगह हमें यहाँ क्रोशिया लेना। यहाँ क्रोशिया लेना हमें, ये यहाँ तीन क्रोशिया लेने, यहाँ फिर दो डबल क्रोशिया लेने, एक चेन लेनी है, फिर यहाँ एक हाफ क्रोशिया लेना। और ये जो हमने यहाँ दो चेन छोड़ी हैं, इन दोनों चेन में से हमें ऐसे क्रोशिया लेना, इस तरीके से। यहाँ हम ऐसे क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ एक हाफ क्रोशिया, एक चेन, वापस यहाँ दो क्रोशिया लेने, यहाँ दो क्रोशिया लेने, इसमें मुझे यहाँ तीन क्रोशिया लेने, यहाँ तीन क्रोशिया लेके यहाँ फिर मुझे दो क्रोशिया लेने, ये दो क्रोशिया लेके फिर एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद यहाँ फिर एक मुझे हाफ क्रोशिया लेना। ये हाफ क्रोशिया लेने के बाद ये जो दो चेन छोड़ी है मुझे, इन दोनों चेनन में से मुझे ऐसे क्रोशिया लेना। यहाँ मुझे हाफ क्रोशिया लेना पहले, फिर चेन लेनी है, ये दो क्रोशिया लेने के बाद फिर मुझे इस जगह हुक डालना, यहाँ इस जगह, और यहाँ मुझे तीन क्रोशिया लेने, दो, ये यहाँ फिर वापस दो क्रोशिया लेने, और दो क्रोशिया लेने के बाद ये फिर एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद यहाँ फिर ऐसे हाफ क्रोशिया लेना है, हाफ क्रोशिया लेके, और जो ये मेरी यहाँ दो चैनी, तो इसमें मुझे ऐसे हुक नहीं डालना है, इसमें मुझे यहाँ इस तरीके से हुक डालना है, और इसमें मुझे यहाँ ऐसे क्रोशिया लेना है, और फिर यहाँ वापस हाफ क्रोशिया लेना है, एक चैन लेनी है, फिर यहाँ डबल दो क्रोशिया लेने, इसमें मुझे यहाँ तीन क्रोशिया लेने, दो, तीन। यहाँ मुझे फर्स्ट में मैंने जॉइंट किया, हाफ क्रोशिया चैन ली, दो क्रोशिया लिए, फिर दो तीन क्रोशिया मैंने यहाँ लिए, दो क्रोशिया, फिर एक चैन लेके हाफ क्रोशिया लिया, फिर ये क्रोशिया लिया, फिर यहाँ ऐसे ही करते हुए जैसे मैंने ये अब तक, इसमें मुझे यहाँ ये तीन क्रोशिया लेने हैं पहले, दो, तीन, तीन क्रोशिया लेने के बाद फिर मुझे यहाँ दो क्रोशिया लेने, ये दो क्रोशिया लेने के बाद फिर यहाँ एक चैन लेनी है, एक चैन लेके फिर हाफ क्रोशिया लेना, ये हाफ क्रोशिया लेने के बाद मुझे इस जगह यहाँ ऐसे क्रोशिया लेना, फिर यहाँ मुझे हाफ क्रोशिया लेना, यहाँ चैन लेनी है, चैन लेने के बाद फिर मुझे यहाँ दो क्रोशिया लेने, ये दो क्रोशिया लेने के बाद फिर मुझे यहाँ तीन क्रोशिया लेने इस जगह, एक,
दो क्रोशिया लेने पहले, ये यहाँ दो क्रोशिया लेने के बाद फिर यहाँ मुझे एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद यहाँ फिर वापस एक हाफ क्रोशिया लेके फिर यहाँ मुझे डबल क्रोशिया लेना। ये डबल क्रोशिया मुझे यहाँ लेना इस जगह, ये ऐसे लेना डबल क्रोशिया। पहले इसमें से ऐसे लेके फिर वापस यहाँ मुझे हाफ क्रोशिया लेके, और अब मुझे इसमें ये यहाँ जॉइंट करना। यहाँ जॉइंट करके एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद जो ये मेरा क्रोशिया इसमें से बीच में से निकालना और इसमें मुझे यहाँ डालना है, और ये ऐसे मुझे यहाँ चैन जॉइंट करनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेने के बाद मुझे ये इसमें यहाँ ऐसे हुक डाल के और इस जगह क्रोशिया ये जॉइंट करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के बाद फिर मेरा ये जो क्रोशिया मुझे यहाँ इसमें जॉइंट करना है, ये ऐसे यहाँ मुझे जॉइंट करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात क्रोशिया लेने के बाद ये मुझे यहाँ ये जो क्रोशिया मुझे इस जगह निकालना, इस जगह क्रोशिया लेना मुझे यहाँ, ये ऐसे मुझे हाफ क्रोशिया यहाँ लेना है। ये हाफ क्रोशिया मुझे इस जगह लेना है, ये जो मेरा बीच का क्रोशिया है इसमें को और मुझे ऐसे निकाल के और यहाँ ये हाफ क्रोशिया लेना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात क्रोशिया लेने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात क्रोशिया लेके और मुझे हर इसमें से इस डिज़ाइन में इस जगह जॉइंट करना, यहाँ ऐसे निकालना क्रोशिया और फिर ये वापस ऐसे लेना और इसमें यहाँ मुझे हाफ क्रोशिया बनाना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन लेने के बाद हर बार मुझे ये क्रोशिया यहाँ ऐसे निकाल कर और इसमें यहाँ हाफ क्रोशिया बनाना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ को और क्रोशिया निकाल के और मुझे यहाँ ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के बाद मुझे ये क्रोशिया अपना यहाँ निकालना, इस जगह निकाल के और यहाँ मुझे हाफ क्रोशिया लेना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हर बार मुझे ये क्रोशिया इस जगह निकालना और यहाँ मुझे जॉइंट करना। तीन चार पाँच छः सात, सात के बाद मुझे ये क्रोशिया इस जगह निकालना और यहाँ मुझे हाफ क्रोशिया लेना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन लेने के बाद मुझे ये क्रोशिया इस जगह निकाल के और यहाँ लेना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात क्रोशिया लेने के बाद मुझे ये क्रोशिया इस जगह निकालना है और यहाँ हाफ क्रोशिया लेना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब ये क्रोशिया मुझे
यहाँ ज्वाइंट करना इसी क्रोशिए में, यहाँ ज्वाइंट करके अब ये धागा मुझे यहाँ कट करना है, कट करना है। यहाँ ये अपनी लूप बना के जहाँ ये मैंने ज्वाइंट किया है यहीं ये क्रोशिया लेके ज्वाइंट करना है हाफ क्रोशिए के साथ। इसमें मुझे यहाँ हाफ क्रोशिया बनाना है, ये ऐसे हाफ क्रोशिया बना के और ये दोनों धागे साथ में रख ले लेने। अब यहाँ एक चेन बनानी है और अब मुझे इसमें यहाँ 9 क्रोशिए बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक चेन और फिर इसी हाफ क्रोशिए में मुझे ये यहाँ ज्वाइंट करनी है हाफ क्रोशिए से। एक चेन लेके फिर इसमें मुझे ऐसे ही 9 क्रोशिए बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक चेन और इसी हाफ क्रोशिए में मुझे इसे जॉइंट करना है। यहाँ पहले एक चेन लेनी है, ये ऐसे एक चेन लेके और अब मुझे इसमें यहाँ 9 क्रोशिए बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक चैन लेकर यहाँ इसे हाफ क्रोशिए में ही जॉइंट करना हाफ क्रोशिए के साथ ही। जैसे मैंने ये बनाए हैं इनमें मेरे 9 क्रोशिए, ये राउंड मुझे ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया एक चैन लेने के बाद। अब मुझे यहाँ 9 क्रोशिए और लेने, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रोशिया लेने के बाद एक चेन और चेन के बाद मुझे यहाँ हाफ क्रोशिया लेना है और अब इसमें ही यहाँ जॉइंट करना है जो मैंने ये चेन फर्स्ट क्रोशिया लिया। ये जॉइंट करके अब मुझे ये यहाँ धागा कट करना है। अब ये ड्रेस मेरी कंप्लीट है।